हमारी जल मंत्री आतिशी जी ने हर संभव प्रयास कर लिया कि दिल्ली के 28 लाख लोगों के पीने के पानी की पूर्ति हो। उन्होंने एलजी को एलजी से मिलने का समय मांगा, एलजी से मिली, उनकी इंटरवेंशन रिक्वेस्ट की, कहा कि हरियाणा सरकार को कहा जाए कि दिल्ली के हिस्से का पानी छोड़ दे, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी चिट्ठी लिखकर इंटरवेंशन की डिमांड की। हमारे दिल्ली के चीफ विप दिलीप पांडे जी, सीआर पाटिल जो जल मंत्री हैं, उनसे मिलने पहुंचे। उनके पास भी समय नहीं था कि वो मिले और दिल्ली की दिक्कत को दूर करें। भाजपा ने अब इस क्योंकि इतने सारे प्रयास करने के बाद भी सोल्यूशन नहीं निकला, तो आप सब जानते हैं कि कल से आतिशी जी एक इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पे बैठ रही हैं, अनशन पर बैठ रही हैं, और हम दिल्ली के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। भाजपा ने सब में क्या किया? भाजपा ने मटके फोड़े। भाजपा के सांसद, भाजपा के एलजी ये कहते नहीं थके कि हरियाणा सरकार पर्याप्त पानी छोड़ रही है। उनसे इतना नहीं हुआ कि दिल्ली के वजीराबाद जाकर चेक कर ले कि कौन सच बोल रहा है और कौन नहीं। वजीराबाद जाते तो दिख जाता कि पानी का लेवल कितना कम है, कितना कम पानी हरियाणा से छोड़ा जा रहा है, हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली के लिए छोड़ा जा रहा है। साथ ही आज भी भाजपा ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी अराजकता का एक और नमूना उन्होंने दिखाया। आज बार बार कहने लगे कि डीजे भी लॉसेस में है। अरे, जो दिल्ली सरकार ने पिछले 8 साल में अनेकों काम किए हैं डीजेपी को लेकर, चाहे वो 7300 नई पाइपलाइंस लगाना हो, चाहे वो 7300 किलोमीटर नई पाइपलाइंस लगाना हो, या फिर 3700 किलोमीटर पुरानी पाइपलाइंस को रिप्लेस करना हो, या फिर नए WTPs हो जो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, भाजपा क्या कर रही है? भाजपा इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को, जो दिल्ली की जनता के ऊपर डीजेपी ने खर्चे हैं, उसको लॉस दिखा रही है। डीजेपी प्रॉफिट बनाने का यूनिट नहीं है, डीजेपी सेवा का यूनिट होता है, इतना तो पता होना चाहिए भाजपा को। जो भी काम, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट किया है हमने दिल्ली में, चाहे वो लेक रिवाइवल हो, चाहे पुरानी पाइपलाइंस को रिप्लेस करना हो, चाहे नई पाइपलाइंस डालना हो, आज दिल्ली में 99.6% पानी की पाइपलाइंस है। अनऑथराइज कॉलोनीज में पहले पाइपलाइंस नहीं होती थी, आपको पता है, लगभग 1800 अनऑथराइज कॉलोनीज है, उसमें पाइपलाइंस है, हर घर में नल है। वो इसलिए हो पाया क्योंकि दिल्ली सरकार ने लगातार बीते 8 सालों में दिल्ली की जनता के लिए काम किए हैं। पर भाजपा की कम पढ़ी लिखी सरकार इन कामों पे हुए खर्चे को लॉस बता रही है। आपको हम पे आरोप लगाने हैं, लगाइए, आपको हमें गालियां देनी है, दीजिए, आप जो करना चाहते हैं करिए, पर दिल्ली की जनता को दिल्ली के हक का पानी दिलवाइए। हरियाणा सरकार को कहिए कि दिल्ली के 28 लाख लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है, उनका लाइफ इज इन डेंजर, क्योंकि पानी एक फंडामेंटल राइट है। हरियाणा सरकार से मेरी अपील है, मेरी एलजी से अपील है, मेरी भाजपा के सांसदों, दिल्ली के सांसदों से अपील है कि सड़कों पे अराजकता करनी बंद कीजिए और दिल्ली को दिल्ली के हक का पानी दिलवाइए।